हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट सोम के लेसन नंबर 2 सिंपल स्ट्रेस तथा स्ट्रेन के लेक्चर नंबर 7 में स्टडी करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने स्ट्रेस तथा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर छः में स्ट्रेन तथा स्ट्रेन के टाइप के बारे में स्ट्रेंथ टाइप के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 7 में इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता सीमा, हुक का नियम और यंग मापांक या फिर प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिक और दृढ़ता मापांक या कर्तन मापांक, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और आयतन मापांक यंग मॉडुलस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यास्थता सीमा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, फिर हुक का नियम और हुक की हुक के बाद इसके यंग मापांक या प्रत्यास्थता गुणांक, फिर दृढ़ता मापांक, फिर उसके बाद आयतन मापांक के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट क्या होती है। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट के बारे में। प्रत्यास्थता लिमिट क्या होती है, प्रत्यास्थता पहले जानते हैं कि नहीं, प्रत्यास्थता पहले समझ लेते हैं। प्रत्यास्थता वह होता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार व रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जब उसके बल हटा लिया जाते तो वह फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, उसे ही प्रत्यास्थता कहते हैं। इसको पहले हमने फर्स्ट लेसन में प्रत्यास्थता के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इलास्टिक क्या होती है। अब हम प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट के बारे में चर्चा करेंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। तो प्रत्यास्थता क्या होती है इसके बारे में आप जान चुके हैं, और अब इलास्टिक लिमिट, वह अधिकतम बल या प्रतिबल तीव्रता जिस पर कोई वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ रहती है, अर्थात बल को हटा देने पर पुनः वास्तविक रूप व आकार में वापस आ जाती है, पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा इलास्टिक की लिमिट कहते हैं। अब इसको समझते हैं कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है। मान लीजिए ये पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ पर बल लगाएंगे, इतना लगाएंगे वहां तक लगाएंगे कि जब इसमें रूप व आकार परिवर्तन हो जाए, मगर जब बल हटा लिए तब फिर उसी अवस्था में आ जाए, जहां तक बल लगाएंगे उस अवस्था से फिर अपनी अवस्था में आ जाएगा, वही अधिकतम बल या अधिकतम प्रतिबल या प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट कहते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ पे हम बाह्य बल लगा रहे हैं, मान लीजिए ये खिंचाव वाला बल लगा रहे हैं, ठीक है, जब खिंचाव वाला बल लगाएंगे इसको खींच रहे हैं, एक ऐसी स्थिति पैदा, इतना पतला हो जाएगा, ठीक है, इतना पतला हो जाएगा, फिर ये इतना पतला हो जाएगा, फिर ये ऐसे यहाँ तक इतना पतला हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति पर इतना पतला हो जाएगा, मगर इतना तक खींचेंगे कि जब छोड़ दे फिर पुरानी अवस्था यानी इतने में आ जाए, वहीं तक तो जहां तक छोड़ दे और फिर उसी अवस्था में ये वाली आकार प्राप्त कर ले, वही उसकी प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इलास्टिक लिमिट समझ में आ गया होगा। इलास्टिक लिमिट ऐसे पदार्थ को खींचे कि उस अधिकतम बल पर खींचे कि फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए, वही प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अब हम बात करेंगे, अगला है हुक का नियम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अब हम बात करेंगे हुक का नियम, हुक्स लॉ क्या होता है। प्रत्यास्थता सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल स्ट्रेस विकृति स्ट्रेन के समानुपाती होती है। प्रत्यास्थता सीमा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अभी इसके बारे में जान चुके हैं।
प्रतिबल क्या होता है पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, विकृति क्या होती पिछले लेक्चर में जान चुके, समानुपाती होता है इसके मतलब क्या होते हैं समझते हैं। प्रतिबल प्रपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल प्रपोर्शनल टू विकृति, इसका मतलब है कि यदि हम प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ेगी, प्रतिबल यदि हम बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ेगी। जब प्रपोर्शनल को हटाया जाता है तो कुछ न कुछ स्थिरांक आता है या फिर कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट यहाँ हमें ई प्राप्त होगा, तो प्रतिबल अपान विकृति बराबर स्थिरांक होता है। अब स्थिरांक को क्या कहते हैं, हुग स्थिरांक, ई को हुग स्थिरांक, हुग्स कांस्टेंट, या फिर प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। हुग का नियम क्या होता है, हुग का नियम होता है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ये लिखना जरूरी है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर, ये सबसे मेन पॉइंट है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर उत्पन्न हुए प्रतिबल विकृति के समानुपाती होता है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति, प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, विकृति को एप्सिलॉन से या फिर ई से प्रदर्शित करते हैं। जब ये प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो स्थिरांक होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हैं कि नहीं, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जिसको बढ़ाएंगे सामने वाला भी बढ़ेगा, यानी प्रतिबल बढ़ाएंगे तो विकृति भी बढ़ेगी, इसको ऐसे समझते हैं। जब इस पे बल लगाएंगे, इस पे बल लगाएंगे, खींचेंगे तो ये फिर खींचते रह जाएगी, ये भी विकृति स्ट्रेन भी बढ़ेगी, इसको समझ चुके हैं कि कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी। अब ई क्या होता है, ई हुग स्थिरांक, हुग्स कांस्टेंट, या फिर प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक होता है। किसी पदार्थ के लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान किस पे, प्रतिबल और उससे संबंधित विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। इस आधार पर विभिन्न मापांक या हुग स्थिरांक निम्न प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हुग का नियम क्या होता है समझ गए। हुग का नियम होता है, सिंपली बात समझे, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति होती है, काम खत्म, यही हुक का नियम होता है। अब हम बात करेंगे यंग मॉडुलस के बारे में। प्रत्यास्था गुणांक या फिर यंग मापांक क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। प्रत्यास्था गुणांक या फिर यंग माप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल स्ट्रेस तथा लंबाई में विकृति स्ट्रेन के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक या फिर यंग गुणांक कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई वर प्रतिबल तीव्रता अपान लंबाई में विकृति होता है। क्या इसमें क्या समझने वाले, प्रतिबल और प्रतिबल की तीव्रता और लंबाई में विकृति के अनुपात को ही प्रत्यास्था गुणांक या फिर इलास्टिक ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिक या फिर यंग मॉडुलस कहते हैं। प्रत्यास्था गुणांक क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक या फिर यंग मापांक किसे कहते हैं, प्रतिबल तीव्रता और लंबाई में विकृति के अनुपात को प्रत्यास्था गुणांक या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिक यंग मॉडुलस कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अपरूपण या कर्तन गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक। दूसरे नंबर पर अपरूपण या फिर कर्तन गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। प्रत्यास्था ये क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाले कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस तथा शियर स्ट्रेन फाई के अनुपात को कर्तन मापांक कहते हैं। इसे जी या फिर सी से प्रदर्शित करते हैं। अपरूपण या कर्तन गुणांक या फिर दृढ़ता गुणांक, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसे कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु पर लगने वाले कर्तन बल को कहते हैं शियर स्ट्रेस तथा कर्तन विकृति, शियर स्ट्रेन फाई के अनुपात को कर्तन मापांक
या फिर अपर रूपण या फिर कर्तन गुणांग या फिर दृढ़ता मापांक कहते इसे, जी से या फिर सी से प्रदर्शित करते इसे, जी से या फिर सी से प्रदर्शित करते हैं, जी से या फिर सी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर कर्तन प्रतिबल, सीयर स्ट्रेस, अपान कर्तन विकृति, सीयर स्ट्रेस होता है कर्तन, सीयर स्ट्रेस होता है कर्तन प्रतिबल, सीयर स्ट्रेस अपान सीयर कर्तन विकृति, सीयर स्ट्रेन होता है सीयर स्ट्रेन, सीयर स्ट्रेन होता है सीयर स्ट्रेन, ये प्रतिबल है ये विकृति है स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। फिर अगला और आखिरी बात करेंगे आयतन मापांक, अगला और आखिरी बात करेंगे आयतन मापांक क्या होते हैं, यंग मॉडुलस, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रत्यक्ष प्रतिबल डायरेक्ट प्रत्यक्ष प्रतिबल तथा आयतनी विकृति, किसके आयतनी विकृति के अनुपात को आयतन मापांक के कहते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आयतन मापांक के बराबर प्रत्यक्ष प्रतिबल अपान आयतनी विकृति होता है। आयतन मापांक प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रत्यक्ष प्रतिबल तथा आयतनी विकृति के अनुपात को आयतन मापांक कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह लेक्चर समझ में आया हो, यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।